नमस्ते, कैसे आप सब। मेरा नाम है प्रदीप्ति कश्यप और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमारा गणतंत्र दिवस था और कल हमने आज़ादी का दिवस मनाया। कल ही मैं ये वीडियो पोस्ट करने वाली थी लेकिन कुछ कारण से ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर में बैंगन का प्लांट ऑर्गेनिकली सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं। रंग के हिसाब से बैंगन के प्लांट कई प्रकार के आते हैं, हरा, बैगनी और सफ़ेद। सफ़ेद कलर के को देख के ही शायद इसका नाम एग प्लांट रखा गया है। बैगन बहुत ही पॉपुलर सब्जी है। बैगन की सब्जी हो या बैगन का भरता हो, वो हर किसी को पसंद होता है। अगर हम घर में बैगन को उगा के खाएं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में सीड से एग प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक बैगन के सीड्स और दूसरा कोकोपीट। कोकोपीट आपको सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए। कोकोपीट आप बाहर से भी ले सकते हैं या फिर घर में भी बना सकते हैं। मैंने कोकोपीट बनाने का प्रोसेस आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ब्रिंजल के सीड्स आपको किसी भी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। सबसे पहले आप सीड्स ले, पैकेट को कट करके उन सीड्स को आप कोकोपीट में डाल दें। ब्रिंजल के सीड्स बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। एक हफ्ते के अंदर ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। सीड्स डालने के बाद आप इसको कोकोपीट से कवर कर दीजिए। और इस पे पानी पोर कर दीजिए। ये कोकोपीट गीला ही है इसलिए मैंने अभी इस पे पानी पोर नहीं किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ब्रिंजल के सीड्स मार्केट में नहीं मिले तो आपको क्या करना है। आपको फ्रेश ब्रिंजल लेना है। उसको बीच से कट करना है। और इसके सीड्स आपको कोकोपीट में डाल देना है। और इसको कोकोपीट से कवर कर देना है। अब इसमें थोड़ा पानी पोर कर दें। सीड्स डालने के बाद इसमें अच्छे से पानी पोर कर दें। एक हफ्ते के अंदर ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे और 20-25 दिन में ये सीड्स इतने बड़े हो जाएंगे। जिनमें 3-4 पत्तियां आ जाएंगी और इनकी हाइट 20-25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये इतने बड़े हो जाए इसका मतलब ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गए हैं। जब ये प्लांट्स इतने बड़े हो जाएं तो आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें। जब ये प्लांट्स इतने बड़े हो जाएं तो आप इसको केयरफुली निकालें। इसका रूट डैमेज नहीं हो इसका ध्यान दें। फिर आप इसको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें। बैगन के प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। रिपोर्ट करने के 30 से 40 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आप सीड लगाएंगे। एक हफ्ते के अंदर वो सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। 30 दिन के बाद वो रिपोर्ट के लिए रेडी हो जाएंगे।
फिर आप उनको रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने के 30 से 40 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, उससे कुछ दिनों बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 60 दिन बाद आपको ये स्टेज मिल जाएगा। सीड लगाने के 90 दिन बाद आपको ये स्टेज मिल जाएगी जिसमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग दोनों हो रही है। बैगन में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह न सिर्फ खाने में अच्छा लगता है बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह हमारी आंख, बाल और त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसको खाने से हृदय संबंधी रोग नहीं होते, कैंसर में बचाव होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है, इसलिए हमें नियमित रूप से बैंगन का सेवन जरूर करना चाहिए। आप सब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स घर में ऑर्गेनिकली ग्रो करके खाएं, क्योंकि ऑर्गेनिकली जब हम ग्रो करते हैं तो उनका स्वाद ही कुछ और होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप सब भी इस गणतंत्र दिवस के मौके पे ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएं, इस प्रकृति को सुंदर बनाएं, हमारे देश को सुंदर बनाएं। पेड़ पौधे लगाएं, चाहे पॉट्स में लगाएं, जमीन में लगाएं, घर में लगाएं या घर के बाहर लगाएं, लेकिन पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है प्रदीप्ति कश्यप। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। One, two, and three. Three hands.